हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज अपन डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब्स कौन सी है क्लास 12th के बाद। पहले से मेरा वीडियो बना हुआ है जो अपन ने गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर 12th डिस्कस करा था, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया था उसके लिए। एक क्वेश्चन वहां पर आया था कि सर टिकट कलेक्टर कैसे बना जाए रेलवे में, तो आज का जो डिस्कशन है, आज का जो वीडियो है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही रहने वाला है कि टिकट कलेक्टर कैसे बना जाए इंडियन रेलवेज में, या नॉर्मली कोई से भी रेलवेज है, कोई से भी कंट्री में आप वर्क करते हो, तो रेलवे में टिकट कलेक्टर टीसी बनने का प्रोसीजर क्या है। तो पूरी डिटेल आज के बारे में, आज के वीडियो में यही होने वाली है। तो बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे टिकट कलेक्टर इन इंडियन रेलवेज होता क्या है। एक नॉर्मल सी गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये जॉब्स आती है, वहां पर ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसको RRB बोलते हैं, उन्होंने ली है जो ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं। 19 RRB हैं जो कि अलग अलग स्टेट के लिए सेंटर ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, राइट। आगे है रेलवे ग्रुप सी की पोस्ट है। रेलवे ग्रुप में अलग अलग पोस्ट होती है A, B, C, D, जिसमें ग्रुप सी की टिकट कलेक्टर या स्टेशन मास्टर जो होते हैं अपने, वो ग्रुप सी की पोस्ट में आते हैं। मेकिंग सेंस हो रहा है, क्लियर। आगे ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है। दो तरह की पोस्टेज होती है गवर्नमेंट में, 90% ऑफ द पोस्ट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बेसिस में डिवाइड होती है। ये अपनी नॉन टेक्निकल है, दैट मीन्स कि क्वालिफिकेशन में 12th पास विद मिनिमम 50% मार्क्स है, स्ट्रीम मैटर नहीं करती है। नॉन टेक्निकल पोस्टेज पे स्ट्रीम मैटर नहीं करती है। अगर आप साइंस के नहीं भी हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, तो अब भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। बस आपकी 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% परसेंटेज आपकी होनी चाहिए। अगर है तो आप टीसी का जो फॉर्म निकलता है हर साल, जो टिकट कलेक्टर का फॉर्म निकलता है, उसको आप फिल कर सकते हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं, राइट। आगे देख लेते हैं एज लिमिट क्या होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी जानना कि अगर आप टीसी के एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एज लिमिट क्या है। 18 से 30 साल के बीच में आपकी एज लिमिट होनी थी। दैट मींस ग्रेजुएशन के बाद भी आप कर सकते हैं, 12th के बाद भी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी आप टीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेकिंग सेंस, 30 ईयर्स बहुत ज़्यादा होती है, राइट। प्लस रिलैक्सेशन भी है, ओबीसी, अदर कास्ट, PWD या हैंडीकेप स्टूडेंट्स के लिए रिलैक्सेशन भी है। तो 30-35 तक ये एज लिमिट रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया अपना चले जाता है, राइट। आगे देख लेते हैं सैलरी क्या रहेगी अगर आप सक्सेसफुली टीसी का एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं। मैं तीन स्टेजेस हैं, तीनों स्टेजेस अगर सक्सेसफुली क्लियर कर लेते हैं आप, तो आपकी सैलरी जो होगी 1900 ग्रेड पे के हिसाब से होगी। 5200 से लेकर 20200 अपना पे स्केल रहेगा। ये 7th पे कमीशन के बाद और ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है, तो अच्छी खासी सैलरी है अगर 12th के बाद आपकी जॉब लग जाती है। मेकिंग सेंस हो रहा है, क्लियर। सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ अब रुख करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस तीन स्टेजेस में डिवाइड है। पहला रिटन टेस्ट, सेकेंड पर्सनल इंटरव्यू, तीसरा है मेडिकल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मेडिकल टेस्ट होता है प्लस आपके जो भी 12th की मार्कशीट्स वगैरह है, 10th की मार्कशीट वगैरह है, एज प्रूफ है और आपके मार्क्स वगैरह हैं, वो वेरीफाई करते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, ऑफर लेटर मिल जाता है आपको और आप सक्सेसफुली एम्प्लॉय हो जाते हैं, वर्क करने लग जाते हैं, राइट। अब देख लेते हैं जो ऑल इंपॉर्टेंट रिटर्न टेस्ट है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज क्लियर करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो रिटर्न टेस्ट का सिलेबस क्या रहता है, प्रोसीजर कैसा रहता है, टाइप क्या रहता है, वो देख लेते हैं, पैटर्न देखते हैं। रिटर्न टेस्ट में आपके नियर अबाउट 4 सेक्शन आते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस आता है आपका, रीजनिंग एबिलिटी आता है और लास्ट में लैंग्वेज आता है। एक लैंग्वेज का पेपर आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप ऑप्ट कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में वो एग्जाम दे सकते हैं, राइट। ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है, दैट मीन्स आपको पेन एंड पेपर में नहीं, कंप्यूटर में। ऑब्जेक्टिव MCQ बेस्ड होता है, 4 में से एक ऑप्शन आपको टिक करना है, राइट। 120 क्वेश्चंस आते हैं टोटल क्वेश्चंस 120 आते हैं और आपको 90 मिनट्स, 1.5 घंटे मिलता है वो पूरा पेपर को करने के लिए, 90 मिनट्स मिलता है। और इस पेपर को करने की एप्लीकेशन फी जो है, इस पेपर को देने के लिए एप्लीकेशन फी जो आपको पे करनी पड़ेगी, वो ओनली ₹100 हैं। एंड फॉर जनरल कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट्स के लिए ₹100 है। ST SC OBC के लिए फीस माफ है और गर्ल्स के लिए भी ये फीस माफ है। तो बहुत सुनहरा मौका बोल सकता हूं मैं, 12th के बाद ही अगर आपको कोई एग्जामिनेशन देना है, रेलवे में इंटरेस्टेड है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप टीसी का एग्जामिनेशन फिल कर सकते हैं। नॉमिनल से फी है और
ये जो पेपर भी है ये ट्वेल्थ के लेवल तक का आता है, इससे हायर कैटेगरी के लेवल का नहीं जाता। बुक्स वगैरह बहुत सारी अवेलेबल है, मैं एक वीडियो बनाने भी वाला हूँ कि ये जो टेस्ट है उसको क्लियर करने के लिए मार्केट में कौन सी बुक्स अवेलेबल है। मैं आपको ऑनलाइन ही परचेस करने का अमेजोन का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो इन सारे सेक्शनों का मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो बुक्स के बारे में ही बनेगा। तो ये है आज का वीडियो, आपको टिकट कलेक्टर के बारे में उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, क्या प्रोसीजर रहता है, एज क्राइटेरिया क्या है, सैलरी कितनी मिल सकती है आपको, पासिंग मार्क्स क्या है, नॉन टेक्निकल जॉब है, सिलेक्शन प्रोसीजर 3 स्टेजेस में है। ये स्टेज जैसे ही क्लियर होती है आपकी, मिनिमम कट ऑफ आप जैसे ही पार करते हैं, आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, आपको बुलाया जाता है और आपका इंटरव्यू होता है। उसके बाद इंटरव्यू सक्सेसफुली होने के बाद मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपकी जॉब पक्की, गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाती है, ग्रुप सी पोस्ट में आप एम्प्लॉय हो जाते हैं, राइट। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। पसंद गलती से आ गया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। दिस इज सुनील साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।